जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का कोकरनाग इलाका, यहां आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के दो अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी शहीद हो गए हैं। दरअसल गोलीबारी के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में इनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। ये संगठन पाकिस्तान की जमीन से चलने वाले लश्कर ए तैयबा का एक धड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों पर इस हमले का मुख्य गुनाहगार आतंकी उजैर खान को माना जा रहा है। 28 साल के आतंकी उजैर का पूरा नाम उजैर अहमद खान है। ये कई वारदातों में शामिल रहा है। बताया जा रहा है कि 26 जुलाई 2022 से वो अंडरग्राउंड है। मौजूदा अनंतनाग इनकाउंटर का मुख्य गुनाहगार भी उजैर खान को ही बताया जा रहा है। उसे पकड़ने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। खुफिया एजेंसियों की माने तो उजैर के साथ दो विदेशी आतंकवादी भी हैं। वो जून 2022 में आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया था। कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनचक और डीएसपी हुमायूं भट्ट की अटूट वीरता को श्रद्धांजलि, जिन्होंने ऑपरेशन के दौरान आगे बढ़कर अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हमारी सेनाएं उजैर खान सहित लश्कर के दो आतंकवादियों को घेरने में दृढ़ संकल्प के साथ जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ये सभी आतंकी लश्कर के एक धड़े टीआरएफ से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टीआरएफ ने साल 2020 से घाटी में हमलों की जिम्मेदारी लेना शुरू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि साल 2022 में घाटी में मारे गए आतंकवादियों में से सबसे अधिक 108 टीआरएफ या लश्कर के थे। टीआरएफ ने इस साल घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। इससे पहले पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा से टीआरएफ के दो आतंकियों को गिरफ्तार किया था। टाइम्स नाउ द भारत डिजिटल की रिपोर्ट।